सो मिस्टर रघु, आप अपने रीसेंट इंसिडेंट से बताना शुरू कीजिए। ये बात कुछ 3 महीने पहले की है। हाँ बाबा, हाँ यहाँ से निकल चुका हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हें डिनर के लिए प्रॉमिस किया था। हाँ अब तुम रखोगी तब मैं पहुँचूँगा ना। चलो बाय। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, उसी सिलसिले में मैं आपको कॉल करने वाला था। एक्चुअली इंश्योरेंस के डिटेल्स के जो सॉफ्ट कॉपी हैं वो मैं आपको मेल कर दिया हूँ, और हार्ड कॉपी मैं अपने पास रखा हूँ, और नितिन सर से भी मेरी बात हो गई है, वो ऑफिस आकर हार्ड कॉपी ले जाएंगे। थैंक यू सर। मौसम भी खराब है और ये पेट्रोल। साला कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। भाई साहब, मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप मुझे पेट्रोल पंप तक लिफ्ट देंगे? बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हेलो, मैं अरुण। साला यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है, और लोग कहते हैं हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इफ़ यू वॉन्ट अ डेवलप कंट्री, हम लोग को यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अब आप ही बताओ भाई साहब, इतना बड़ा जंगल है, ना पेट्रोल पंप है, ना नेटवर्क है, ना आदम है, ना आदम की जात है। अब रोड ही बना लेने से डेवलपमेंट तो नहीं हो जाएगा ना? इफ वी वॉन्ट डेवलपमेंट, वी हैव टू डील विद दिस ब्लडी सिचुएशन। अब हम जैसा मुसाफिर अगर यहाँ फंस जाए तो आप जैसा अच्छा आदमी बचाने हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना?
फिर वही चोरी, मर्डर, मीडिया, पुलिस और इन सब का फायदा उठाकर हमारे प्यारे नेता इलेक्शन जीतकर नारे लगाते हैं, हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ भाई साहब, लगता है आज हम दोनों की किस्मत खराब है। तुम जैसे कीड़े ही हमारे देश को खोखला बनाते हैं। तू और तेरे जैसे लोगों की सोच ही हमें बार बार यह एहसास दिलाती कि हम कीड़े पैदा हुए थे और कीड़े ही मरेंगे। पर तुम जैसे लोग इस बीच ये भूल जाते हो कि इसमें कुछ मुझ जैसे भी कीड़े हैं, जिनके जहर का कोई दवा नहीं। ध्यान से देख इस जगह को, ये वही जगह है जहां तू और तुझ जैसे लोगों की सोच दोनों दफन होगी आज। ये मेरा इलाका है और यहां तेरी चीख सुनने के लिए भगवान को भी मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मादर चोद, आज मौसम बड़ा